नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन शहर के गणमान्यों की माने तो जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बुद्धि विहार स्थित विजय पार्क के पास वर्ग सीवर लाइन चौक होने से लोग खास परेशान है, जिसकी वजह से घरों में गंदगी जमा हो रही है। इस दौरान सपा व्यापार सभा के मंडल अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला है, जो वाकई परेशानी की बात है। तो कॉलोनी में बुद्धि विहार में सीवर का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन पिछले बहुत वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा, और अब तो हालात ये हो गई है। मैंने पार्षद से कहा, पूरी लाइन ब्लॉक है हमारी साइड की और कोई उसमें काम नहीं हुआ। जो सीवर वाला पहले आता था, कोई नहीं आ रहा सफाई करने के लिए। जो गाड़ी थी किस्त में, मैंने मेरे हिसाब से भी कहा, और नगर आयुक्त महोदय को फोन ही नहीं उठा। हमारे बहुत सारे लोगों ने फोन किए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते। तो मैंने सरकारी फोन दिए हुए लोगों को, दिक्कत क्या है इन्हें उठाने में? अगर फोन नहीं उठाएंगे तो समस्या का पता कैसे लगेगा? तो ये अपनी पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के पब्लिक के लिए काम करें। जो पब्लिक ने इन्हें वोट दिए हैं, पब्लिक ने इन्हें पार्षद और मेयर बनाया है, तो शहर की स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो कागजों में ना होकर वास्तव में भी तो दिखाई देना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो और दूसरे दलों के नेता हैं, उन्हें चिन्हित करा गया कि उनके यहाँ सफाई नहीं होनी, बकाया क्या होनी, हमें ऐसी फीलिंग आ रही। और ये अब के ज्यादा हो रहा है इस बार। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि शहर को साफ सुथरा बनाने में जिसके लिए वो रखे गए हैं, वो अपना काम करें।